हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके सामने। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि हमारा जो फ्रिज होता है, घरेलू फ्रिज होता है, उसमें आइस क्यों ज्यादा जम जाता है। क्या आपका भी फ्रिज में आइस जमता है? तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, बहुत अच्छा कूलिंग करते रहेगा, तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए नेक्स्ट वीडियो देखने लीजिए। दोस्तों चलिए बिना देरी किए हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ कि हमारा फ्रिज में आइस सबसे ज्यादा आइस क्यों जमता है। ये फ्रिज है जो आइस जमा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आइस क्यों जमता है दोस्तों। चलिए मैं आपको आगे की ओर बताता हूँ दोस्तों। ये हमारा एक थर्मोस्टेट है दोस्तों, ये हम थर्मोस्टेट बता दिए हैं, बना दिए हैं। ये थर्मोस्टेट काम कैसे करता है दोस्तों, ये थर्मोस्टेट काम कैसे करता है वो हम आपको बताने वाले हैं। जैसे हमारे पास एक पुराना थर्मोस्टेट पड़ा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये डीप फ्रीजर का थर्मोस्टेट है, उसमें ज्यादा आइस जम रहा था, ये काम नहीं कर रहा था, ये खराब हो गया था। कैसे हम चेक करते हैं कि ये खराब हो जाता है, वो भी हम आपको इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा। ये हमारा थर्मोस्टेट है, ये खराब हो गया है, आखिर क्यों खराब होता है वो भी हम आपको बताने वाले हैं क्लियर करके। ये थर्मोस्टेट जो हमारा पुराना है, इसको हम साइड करते हैं और यहाँ पे बोर्ड पे हम आते हैं कि कैसे ये खराब होता है वो हम आपको बता रहे हैं दोस्तों। ये हमारा थर्मोस्टेट है, जब हम लाइन को इन करते हैं, लाइन इसमें थर्मोस्टेट में हमेशा लाइन ही सप्लाई होता है, न्यूट्रल सप्लाई नहीं होता है। न्यूट्रल अगर आप सप्लाई कर रहे हैं तो वो गलत है, पहले लाइन ही सप्लाई होता है, न्यूट्रल का कोई काम नहीं होता है। लाइन जब हम यहाँ से सप्लाई करते हैं, जब ये लाइन यहाँ से सप्लाई करते हैं तो यहाँ पे एक पॉइंट दिया रहता है, बीच में हमारा एक पॉइंट दिया रहता है यहाँ पे, ये पॉइंट जो है, यहाँ जो गैप है, ये एक पॉइंट दिया रहता है। ये थर्मोस्टेट हमारा यहाँ से लाइन सप्लाई होता है और इसमें टच करता है, जब इसमें टच करता है तो यहाँ पर आउट करता है, ये इन हो गया, आपको इन इन पॉइंट हो गया और ये हो गया आउट, ये आउट पॉइंट हो गया दोस्तों। यहाँ से जब लाइन को हम इन करते हैं, यहाँ पे एक घर्षण होता है, एक ज्वाइंटिंग होता है, एक कुछ ऐसा पार्ट दिया रहता है जो उसमें टच करता है, कैबिनेट द्वारा टच करता है, उसके बाद यहाँ से ये लाइन सप्लाई करता है दोस्तों। जब आउट हमारा लाइन होता है तो हमारा फ्रिज में लाइट चला जाता है, फ्रिज में लाइट इन होता है, जब हमारा फ्रिज काम करता है, कंप्रेसर ऑन करता है और चालू होता है। जब ये खराब हो जाता है दोस्तों, बहुत पॉइंट पे हम आ चुके हैं, आप देख सकते हैं, जब हमारा ये खराब होता है थर्मोस्टेट, जब हमारा खराब हो जाता है तो वो कैसे ये काम करना बंद हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये जो इन आउट जो करता है, ये हमारा जब खराब होता है तो ये इन आउट करना बंद कर देता है दोस्तों। ये आपस में ज्वाइंट होता है दोस्तों, ये जो है आपस में ज्वाइंट हो जाता है, या जल जाता है या खराब हो जाता है, तो यहाँ से इसका काम खत्म हो जाता है, अंदर से जो रहता है उसका काम खत्म हो जाता है। जब वो खराब हो जाता है तो जब हम इन करते हैं तो डायरेक्ट लाइन आउट हो जाता है दोस्तों, डायरेक्ट ये आउट हो जाता है, इसमें अंदर कोई सिस्टम काम नहीं करता है, वो खराब हो जाता है दोस्तों, तो डायरेक्ट हमारा आउट हो जाता है। तो हमारा कंप्रेसर में जब लाइन सप्लाई लगातार होने लगता है, जब वो ज्यादा देर तक चले लगता है, उसको रेस्ट नहीं मिलता है, तो हमारा वहां पे आइस ज्यादा जमने लगता है। जब कंप्रेसर को ज्यादा चलाइएगा तो आइस जमेगा, कंप्रेसर खराब होने का भी डर रहता है। तो कभी भी ऐसा प्रॉब्लम आए तो आप सबसे पहले थर्मोस्टेट को जाकर के चेक करें, और आप वहां पर जाकर चेक करें और थर्मोस्टेट को दूसरा चेंज करें दोस्तों। कभी भी ज्यादातर थर्मोस्टेट ही खराब होता है फ्रिज में, और भी बहुत सारे सामान खराब होता है, लेकिन जब आइस ज्यादा जमता है तो हमेशा मैकेनिक का माइंड थर्मोस्टेट पे जाता है। अगर आपका भी ऐसा समस्या हो तो दोस्तों आप हमें कमेंट में करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दे। हमारा इस टाइप का एसी फ्रिज वॉशिंग मशीन हीटर कूलर पंखा का वीडियो हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं बिल्कुल। और ये वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।